देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। नमस्कार, मॉर्निंग टॉपलाइन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फरजाना। आइए नजर डालते हैं मॉर्निंग टॉपलाइन हेडलाइंस पर। सुशांत सिंह राजपूत की मिश्रा रिपोर्ट से बड़ा खुलासा, शरीर में नहीं मिला जहर। 30 सितंबर को बाबरी विध्वंस केस में आएगा फैसला, आरोपी उमा भारती बोली फांसी मंजूर मगर जमानत नहीं लूंगी। रिया की जमानत पर आज होगी सुनवाई, ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई। जम्मू कश्मीर के शोपिया में निलडोरा इलाके में आतंकियों ने सरकारी कर्मचारी को मारी गोली, अस्पताल में इलाज के दौरान मौत। हाथरस में दलित लड़की से गैंग रेप, उसकी रीढ़ की हड्डियां तोड़ दी, जीप काट दी और 12 दिन सिर्फ इशारे से बात करती रही, रात को 3 बजे जिंदगी से जंग हार गई। यूपी के बिजनौर में सरकारी अस्पताल की दवाई खाने से छात्र की हुई मौत। आठवले का शरद पवार को ऑफर, अगर शिवसेना नहीं तो एनसीपी आए एनडीए के साथ। राहुल गांधी ने की किसानों से बात, बोले कृषि कानून का विरोध जरूरी, बीजेपी वाले अंग्रेजों के साथ थे। देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत की मुलाकात पर पाटिल ने कहा मीटिंग के दौरान चाय बिस्किट पर चर्चा नहीं, यह बैठक अनिर्णायक थी। गुजरात के बड़ोदरा में देर रात निर्माणाधीन इमारत गिरी, मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़।